जल्दी में जल्दी जुड़ दीजिए सा, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले इन्हें वीडियो ना आप शेयर कर जो, और जिन भाई लोगों ने वीडियो शेयर नहीं जोड़ा है तो पहला वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं आपने कालब नदी या बाड़ो को या बोमदा बांध जो नदी आ रही है सरा सबर संगम मिलिया करे, मिलियर बाद में ये इकट्ठे होया करे, तो धीरे धीरे इन नदियों भी वेग बढ़ रही है और पानी जो स्थिति है वह भी तेज रह रही है। तो मैं आपने पूरा वीडियो बताऊँ उन्होंने पहले आप शेयर कर दो ताकि एक एक जानकारी आप सब तक लोगों का पहुँच जावे। और जितना भी अपना किसान भाई है हर एक न्यूज री जानकारी वहां तक मिल जा। मैं एक बार है कैसा हाँ देखो एक तो बस छाटा पड़ जाओ आई हो इन बेड़ो बिल्ली के क्या मैं आपने वापस एक बार बताया दूसरा के कालब्रो बाड़ो और बोमदा बांध जो नदी आया करे तो अट्टा आयन मिल जाया करे, ठीक है सर। अट्टा आया मिलियर बाद में इन साइडों आ रपट बनाई है, इन नीचे पाइप अपन डाल है, दो गांव ने मिलाना और काम करे अट्टे अट्टे मिलियर बाद में ओ अबे पानी एक रेवे पूरो और पूरो ही अब रायपुर दीपावा लोनी बांध में जा रही है। और जो अट्टा स्थानीय भाई है खड़ा अट्टे और अटने अपने काका भी खड़ा है तो अणु में बात करी क्या साहब लाड़ला एक घंटा बाद में अटे धीरे धीरे पानी री जो गति है वह थोड़ी तेज रही है। भाई भाई साहब कितनी देर बाद में अटे पानी री आवाज तेज रही है कितो टाइम रियो हाँ सर भाई साहब कह रहे हैं कि दो घंटा रिया है, दो घंटा में अट हवा के जो पानी रही वह धीरे धीरे बढ़ रही है और जल्दी हूँ जल्दी आज शायद आने वाला एक घंटा रहे शायद अब दो घंटा रहेगा तो शायद रायपुर दीपा लोनी बांध में पानी अब उग रही। हाँ कई उम्मीद है आपने इन बार दीपा रायपुर लोनी बांध ओवरफ्लो रहना कई चांस लगे आप? हाँ सर भाई साहब है अपना अट्टा स्थानीय निवासी है पचानपुरा साइड में, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन साल जो स्थिति है उन्हें अनुरूप लगे कि रायपुर दीपावा लूणी बांध और फ्लोरी स्थिति में आ सके। आप सब जाना ना वो जो मैं बता रही हूँ वीडियो कालब नदी या बाड़ो केवो और बोमदा बांध जो निकले उठो नदी उन संगम स्थल है, दो ही नदी इन साइड में मिलिया करे मिलियार बांध में पानी दो भेड़ो रहे अटू है जो आगे रायपुर दीपा लोणी बांध में जावे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो अपने स्थानीय भाई साहब खड़ा है आते आप लोग भी चाहे कि रायपुर दीपावास लोनी बांध और फ्लोर है और बेलाड़ा लगाट बालोत्रा तक पुगे, क्योंकि एक किसान है जो किसान जी बात समझे किसान जी गरीब आर्थिक स्थिति है वह इन हाथी जुड़ी है। तो आप भी मनसा है कि रायपुर दीपावास लोनी बांध इन बार और फ्लोर है लाल पिछला पाँच वर्षों और फ्लोर नहीं रही है तो धीरे धीरे अट्टे पानी रवाग भी तेज रह रही है। और इन वीडियो के माध्यम में एक बार आपने और कह दूँ कि बोमदा बांध माता हाल फिलहाल आप कोई भी पहचान नहीं जानो, क्योंकि वटे जो भी रस्तो है वो पूरा पानी या बरसात ज़्यादा बरसी होने हिसाब पूरा कटो प्रयोड़ो है और हाल फिलहाल उठ कोई जा भी नहीं रहा है, जीव जंतु रो भी डर है और उठे पानी की जो गति है वह भी बहुत तेज रहेगी है, तो आपने कोई रिक्स मोल नहीं लेनी है। टेढ़ी स्थिति में हमेशा अपने प्रशासन जो सहयोग करना है, जो भी दिशा निर्देश सरकार या प्रशासन तरफ को आवे उन्हें पालन करना है। और आप जो वीडियो हम देख रहे हो आ कालब बोमदा बांध नदी रो है, अब आप इन पानी के माध्यम आप खुद पतो लगाओ कि बोमदा बांध में तो कितो कई हिसाब में पानी उठू निष्कासित रह रही हो या कितो निकल रही
आपा उते 4-5 इंच री चादर मात आपा खड़ा रहना ना, थोड़ी तकलीफ होता इन टाइम वटे एक फुट लेवल के हिसाब इन टाइम चादर चल रही है और धीरे धीरे वहां बढ़ भी रही है, तो अड़ी स्थिति में आपा उठे खड़ा नहीं रह सका। इन वास्ते आपने हाथ जोड़ने विनती है कि आप कोई भी वटे जाए नहीं, कोई रिक्स मोल नहीं लो वाला, आप सुरक्षित रहो और आपके परिवार ने भी सुरक्षित रखो। और हाल फिलहाल मौसम विभाग री भारी बरसात री चेतावनी दियोड़ी है, तो नदी नालों सब आप लोग दूर रह जो, और अपने जो भी पानी या जट जल भराव री स्थिति है बटे कोई भी बिजली का खंबा है जटे करंट सप्लाई रह सके, तो कृपया आप बटे ऐडा जगहों आप दूर ही खड़ा रह जो। हाँ साहब, पाइप में आपने बताऊँ 1-2-3-4-5-6-7-8 पाइप चल रही है साहब है। एक पाइप कितना है? 3.5 जने आधो ऊपर है, आधो जने एक पाइप 3.5 जन डेड 2-4-6-7 फीट करीब देखो। और आपने बहुत जल्दी मैं रायपुर दीपा लोनी बांधरी भी खबर दूं लाइव वीडियो माध्यम हूँ, ठीक है सर। और बरसात देखो चल रही है हाल फिलहाल, वीडियो में शायद विजिबिलिटी कम आ सके, लेकिन अपन के दूसरा इलाज भी है ये देखो। हाँ इन माध्यम में तो आप देख सका बरसात देख नहीं रही है, ऊपर तो नहीं दिक्कत कहीं रही हो, और मौसम बनियोड़ो है। और इन साल जो अपा मुहिम लेन चाले था कि हवन करवार किने भी प्रकार अपा इंद्रदेव माँ गंगा अरदास करा, कि इन साल अपन रायपुर दीपासोनी बांध ओवरफ्लो रहन, अपने हर किसान के घरे खुशियां छावे, हर किसान के कुआं में पानी आवे, तो अपन एक ही मंशा साफ थी और साफ है। तो इतना दिन तो अपा कहीं गाने भरोसे बैठा था और ये लोग भरोसे भी रखे, लेकिन ठीक है साहब, कुछ लोग हैं जो आपने इन बातों फायदो उठायो है तो छो उठायो, मैं तो सा भगवान वाणो भी भलो ही कर जो, आप वाणे विचार वास्ते आप मन में कभी विचार बुरो नहीं लावा, और जो भी भैसेण मार वास्ते सहयोग करियो वाणो हार्दिक आभार है। मैं बड़ो वाण वास्ते शुक्र गुजार हूँ, आप मरमाती तो विश्वास जतायो, तो आप विश्वास कभी भी खराब नहीं रहना, आप विश्वास कायम रही। और मैं एक बात बता दूं कि अबे वीडियो मात मैं नहीं बताऊं साहब, मैं अवगत करवाऊं, क्योंकि मैं आज चीज़ अगर अभी खुली करूं तो अब मैं वाणा विश्वास माते अब कायम नहीं रहूं, क्योंकि वे लोग और कोई दूसरी अड़चन भी पैदा कर सके। ये तो जरूर कहूं कि हाँ हवन अगर आपने क्यों हो तो करान जरूर रहूं और करान बताऊं आप लोगों ने। धीरे धीरे अपन इन बमादा बांध और काड़म नदी रो पानी धीरे धीरे वेग तेज गति में बढ़ रही है और बरसात भी चल रही है ऐसा। और देखो आपने इन साइड में मैं बता दूं, और संगम ऐसा अपनों काड़म नदी रो बाड़ो कहो या काड़म बाड़ो कहो, राय इन सॉरी बमादा बांध रे नदी रो पानी है, पचानपुरा बाड़ो है। ये देखो साठ ये जो है अपने नाला है जो फुल चाल लिया है, यानी धीरे धीरे पानी बढ़ गया साठ है, यानी जो इन्हों एक नाला रो गेज है वो 3.25 फीट या 3.5 फीट का ये बता रहा है, 3.5 फीट है नी, 3.5 फीट बता रहा है। तो भराव क्षमता में फुल चाल लिया सब 8 नाला है, आपने बताया दूसरा मैं सब आप लाइव वीडियो माध्यम आप देख सको। और जो आसपास में खेते हैं सर, खेता में सब हम पानी फुल ले गए है, ज्यों ज्यों आनो
और फ्लो बढ़ रही है नदी रो और भमाता बांध और फ्लो बढ़ रही है तो आने खेता में भी पानी बढ़ रही है। हाँ रेगो अब नहीं इंक्लूड कर इंक्लूड की जैसे और फ्लो में हाँ नहीं यूं मत अटनू जैसे वो फुल लेगो तो अब वो चार इंच पानी वो छोड़ दिया उठने 3.5 रो है 3.5 मु आधा ऊपर वे एक पाइप चले तो डेढ़ एक मान ले क्यों जिन गतियों हिसाब पर डेढ़ मान ले 1.5 × 8 कर दे ऐसा देख मैं बताऊँ गणित हाँ गणित क्यों है देख डेढ़ इन डेढ़ कितरिया 3 1 2 3 4 4 3 12 तो 12 फीट रो वो पानी चाल लियो है वो इंक्लूड यूँ रहे तो आज नाला जो मैं गेज निकालिया हो वो 10-12 फीट रो गेज है स्पीड लेवल यानी आप कोई भी एक जगह अगर इन पूरा पानी ने निकाला और जो इन्हें मापदंड है अगर उन मापदंड अनुरूप काट तो 12 फीट रो गेज हो है। तो आप सब जना बनियाडो रही जो अवनाला अगला आधा घंटा में रायपुर दीपावासुणी बांधो आप आते लाइव जुड़ा और जो भी आपका कमेंट है आप मन बताई जो आप साथ जुड़ियोड़ो हाँ और आगे भी रहे वहाँ वो पेज सिर्फ आप लोग वास्ते और जितना भी हमारा प्रवासी भाई है वन वास्ते बनायोड़ा है जो और मैं आपने कह दूँ कि जब आप अच्छे ही करने जाओ तो बुरे हमेशा लार हालिया करे क्योंकि बुरे भी ने अच्छे ही रूप पतो भी नहीं चले जो जिंदगी में सुख और दुख दो ही कॉमन है तो आना काम में भी अच्छा ही और बुरा ही दो ही भी कॉमन है आने भी ने पतो भी नहीं चले का कोई काम अच्छो करियो या नहीं करियो ठीक है सा जय श्री राम जय आई माता जी री माँ भगवती आप सब लोग आरो व्यापार परिवार में सब ने सुखी और शांति रखे आप लाइव जुड़ियोड़ा रहे जो आपने उन्हें आधा घंटा में आपने लाइव दीपावासुणी बांधू लाइव बतावा सा जय हिंद जय भारत।